हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सूचरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम चर्चा करें इसकी, तो यह क्या है कि एक प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें की बात होती है, ठीक है, सूचरिंग करना, सूचर की जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं। लेकिन क्या होता है कि बेसिक यदि फंडामेंटल्स की बात करें, तो कोई भी चीज़ है, कोई भी नॉलेज है, उसका फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए। उसी पर्पज़ से ये हमने वीडियो बनाई है, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि देखा जाए, तो जो अपन सूचरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें इंस्ट्रूमेंट जो नीडेड है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नीडल होल्डर चाहिए, जो कि नीडल होल्डर आपको दिख रहा होगा, और इसमें पहचानने के लिए जो रहती है कि इस पर ग्रिप है और साथ में ग्रूव है, क्योंकि ये जो नीडल है उस नीडल को पकड़ने या होल्ड करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीडल होल्डर, इसके बाद सेकेंड है फोर्सेप। फोर्सेप क्यों चाहिए? फोर्सेप इसलिए क्योंकि जब हम नोट देंगे तो उस समय अपनी जो सूचरिंग मटेरियल है उसको पकड़ने को काम आएगा, और जो नीडल होल्डर है उसके ऊपर जब अपन थ्रो करते हैं तो उसको पकड़ के नोट बनाने में काम आता है, ठीक। तो अपनी सेकेंड होगी फोर्सेप। थर्ड की बात करें तो सूचर सीजर्स, क्योंकि अपन जब नोट को कट करते हैं तो कट करने में या फिर थ्रे कभी भी सूचर मटेरियल्स को बार बार कट करना पड़ता है, क्योंकि जब अपन इंटरप्टेड जब नोट लगाते जाते हैं तो उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अपन सूचरिंग सीजर, इसके बाद नीडिल होती है, ठीक है, इसके बाद इसमें कौन कौन से कितने कितने गेज के सूचरिंग मटेरियल्स होते हैं वो सब चीज़ें हम फर्दर देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है वो सूचरिंग आउटलाइंस, यानी कि हम जो अभी जो पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, उसको एक आउटलाइन में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है गोल ऑफ सूचरिंग, यानी कि क्या पर्पस है सूचरिंग करने का, क्या गोल्स हैं उसको चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। फिर इसके बाद अपन सूचर के कैरेक्टरिस्टिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर सूचर मटेरियल्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि किन कौन कौन से सूचर मटेरियल्स से बने होते हैं, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सूचरिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अपन सूचर टेक्निक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक। फिर रिमूवल ऑफ सूचर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, ठीक है, सूचर्स के आफ्टर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पॉसिबली उसके ऊपर, या फिर अल्टरनेटिव टू सूचर्स, यानी सूचर्स के अलावा और क्या चीज़ें मेथड्स हैं कि उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। अब अपन चलिए चालू करते हैं गोल ऑफ सूचरिंग। तो गोल ऑफ सूचरिंग यानी कि वुंड एज एपोजिशन करने के काम आता है, ठीक। पहली बात ये तो आप स्वयं से भी सोच सकते हो, मेंटेन हीमोस्टेसिस, कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो आप सूचर कर दो, ठीक। एड टू वुंड हीलिंग, जितनी यदि सूचर जितना आप अच्छा करोगे, या जो सूचरिंग है कहीं पे भी कंट्यूजन लेसरेशन हुआ है, ठीक है, तो उसमें इंसिजन लगा हुआ है तो उसको यदि आप सूचर कर दोगे तो अच्छे से जल्दी हील हो जाएगा, ठीक है। अवॉइड वुंड इन्फेक्शन, यदि ओपन वुंड है तो इन्फेक्शन ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको क्या सूचर करके उसको क्लोज बना दीजिए, ठीक है। और कॉस्मेसिस यानी कि सर्जिकली हो सकता है, ठीक है, तो कॉस्मेसिस यानी बोल सकते हो कि एक प्रकार से कॉस्मेटिक पर्पस से भी सूचरिंग करा दिया जाता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। अब रही बात सेकेंड, अपन चर्चा करते हैं सूचर मटेरियल्स के ऊपर। तो सूचर मटेरियल्स को अपन पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। तो तीन मेथड से अपन क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सूचर, ठीक। पहली बात अकॉर्डिंग टू सोर्सेस बात आती है, इसके बाद अपन अकॉर्डिंग टू फैट बात करेंगे, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बात करेंगे, ठीक। तो जो अकॉर्डिंग टू सोर्स है इसमें अपन बात करें तो जो मटेरियल्स होते हैं, एक तो नेचुरल हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, और मेटेलिक हो सकता है, यानी बोल सकते हो तुम कि जो आपकी सूचर मटेरियल है वो जो यदि नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त है, यानी एनिमल या बोल सकते हो या फिर प्लांट ओरिजिन से है, तो यदि उससे हमें सूचर मटेरियल प्राप्त हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल। यदि आपकी सूचर मटेरियल सिंथेटिक है, यानी कि केमिकल्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस करके बनाया गया है, तो दैट आर सिंथेटिक्स। अब मेटेलिक, मेटल ओरिजिन की है तो मेटेलिक। तो ये हमारी सूचर मटेरियल का सोर्स क्या है उसके बिहाफ पे अपन ने तीन देखे, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा सोर्स कुछ भी हो लेकिन वो सूचर कैसा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है खुद से या फिर नॉन एब्जॉर्बेबल है। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि नेचुरल है तो वो एब्जॉर्बेबल है या नॉन एब्जॉर्बेबल है, ठीक है। तो दूसरी जो अपन बात आती है वो फैट के बिहाफ पे, ठीक है। तो एक एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, दूसरा नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। कुछ ऐसे सूचर्स होते हैं जो स्वयं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब रही बात एब्जॉर्ब होना एब्जॉर्ब न होना, इसकी यदि बात करें तो क्या होता है कि
कोई भी जो सूचर्स हैं, सूचर मटेरियल है, वो क्या होता है, बॉडी यदि उसको एक्सेप्ट करती है, बॉडी के अंदर जो डिकम्पोजिशन की जो क्षमता है, यदि वो डिकम्पोज कर दे रही है उसे, ठीक है, फर्दर सर्टेन टाइम के अंदर, तो एब्जॉर्बेबल सूचर है, नहीं तो वो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, ठीक। फिर इसके बाद थर्ड वन अपना है मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जो सूचर मटेरियल है वो सिंगल फिलामेंट के कंपोजिशन से बना है या फिर मल्टीपल अपने फिलामेंट के कंपोजिशन से बना है। तो ये अपन सूचर मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन था, इन तीनों को अपन ने देखे। लेकिन अब इन तीनों को तो बेसिक ऊपर ऊपर से देखे, अब इसके अंतर्गत जो अपन सूचर मटेरियल्स हैं उनके कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो नेचुरल हैं, कौन से मटेरियल्स हैं जो सिंथेटिक्स हैं, ठीक है, कौन एब्जॉर्बेबल है, कौन नॉन एब्जॉर्बेबल है, कौन मोनोफिलामेंट से बना है, कौन मल्टीफिलामेंट से बना है, ठीक है। तो अपने पास तो सूचर मटेरियल बहुत सारे होते हैं, जैसे बात करें पीडीएस, ठीक है, विक्रिल, ठीक है, डेक्रॉन, ठीक, और भी बात करें प्रोलीन, ऐसे करके डेक्सोन, तो ये सब चीज़ें हैं। अब लेकिन वो कौन सा एब्जॉर्बेबल है, कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल है, ये जानना ज़रूरी है, और कौन सिंथेटिक है, कौन नेचुरल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि बात करते हैं तो अपन जो सिंथेटिक और नेचुरल की बात करेंगे तो इसको डायरेक्ट अपन वैसे ही क्लासीफाई कर देंगे कौन एब्जॉर्बेबल है, कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल है। तो सिंथेटिक के अंदर यदि बात करें तो आपकी विक्रिल, डेक्सोन, मैक्सोन, पीडीएस, ये सब क्या है, एब्जॉर्बेबल हैं, लेकिन कैसा है, नेचर वाइज सिंथेटिक्स है, ठीक। और यदि नॉन एब्जॉर्बेबल की बात करें तो नाइलन, प्रोलिन, ये क्या है, सिंथेटिक हैं लेकिन नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं, ठीक है। अब नेचुरल्स की बात करते हैं तो नेचुरली जो प्लेन कैटगट है और क्रोमिक कैटगट है, ये क्या होते हैं, एब्जॉर्बेबल लेकिन नेचुरल हैं। और नॉन एब्जॉर्बेबल की बात करें तो उसमें सिल्क आता है जो कि नेचुरल है लेकिन नॉन एब्जॉर्बेबल है। और मेटेलिक की बात करें तो जो मेटेलिक होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हुए वायर्स होते हैं जो कि एक प्रकार से अपनी जो नीडल से नीडल के आई साइड की तरफ लगे रहते हैं, ठीक, और ये स्वैग एंड वाले होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद चर्चा करते हैं मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट्स की। तो मोनोफिलामेंट्स बोलने का मतलब क्या है कि देखो ये जो इमेज है लास्ट वाली आपको दिख रही होगी, ये मोनोफिलामेंट, इसके ऊपर क्या है आपकी मल्टीफिलामेंट, और इसके ऊपर ये भी मल्टीफिलामेंट, लेकिन मल्टीफिलामेंट विथ कोटेड है तो एक बिहेव करेगी मोनोफिलामेंट की तरह, एक्ट करेगी, ठीक है, लेकिन है मल्टीफिलामेंट। अब रही बात कि मोनोफिलामेंट्स हैं लेकिन एब्जॉर्बेबल कौन से हैं, तो जैसे कैटगट, क्रोमिक कैटगट, विक्रिल और आपकी पीडीएस, ठीक है, विक्रिल और पीडीएस, ये टोटल जो हैं आपके चार, वो तो एब्जॉर्बेबल हैं लेकिन मोनोफिलामेंट के हैं। लेकिन मोनोफिलामेंट के अंतर्गत कौन जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल है, वो है पॉलीप्रोपिलीन, यानी कि इसको प्रोलीन भी बोलते हैं, और नाइलन, ठीक। तो ये जो दोनों हो गए आपके नॉन एब्जॉर्बेबल हैं लेकिन मोनोफिलामेंट से। अब आते हैं मल्टीफिलामेंट की चर्चा कर लेते हैं। तो मल्टीफिलामेंट में जो एब्जॉर्बेबल हैं उसमें विक्रिल और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, यानी पॉलीग्लाइकोलिक एसिड बोलने का मतलब डेक्सन, ठीक है, तो ये आपकी होगी। फिर नॉन एब्जॉर्बेबल की बात करते हैं सिल्क और कॉटन, ठीक है, सिल्क और कॉटन जो होते हैं मल्टीफिलामेंट हैं और नॉन एब्जॉर्बेबल के अंतर्गत रखे गए हैं। अब देखो रही बात पहचानने की, तो आप यहाँ पे सारे के इमेजेज हैं आप देख सकते हो, जैसे सिल्क वाले हो गए, नाइलन हो गई, ठीक है, आपके क्रोमिक कटगेट हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट टर्म से आप टर्म को डिक्टेट करते हो तो आपको खुद ही अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है। रही बात थोड़ी सी आपको नाम याद करने की, तो आप नाम थोड़ा सा चर्चा करोगे एक बार दोस्तों के साथ तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। विक्रिल, डेक्सन, मैक्सन, पीडीएस, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेबल सिंथेटिक्स हैं, और नॉन नाइलन, प्रोलिन, ये जो है नॉन ऑब्जर्वेबल सिंथेटिक्स हैं, ठीक है। प्लेन गट, क्रोमिक कट गट, ये जो हैं आपके नेचुरल हैं। सिल्क क्या होता है, नॉन ऑब्जर्वेबल नेचुरल सूचर मटेरियल होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एक डिफरेंशियल इन दोनों के बीच में, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट्स का जो अप्लाइड एस्पेक्ट है डिफरेंशियली वो क्या है। तो जो मोनोफिलामेंट्स होते हैं, इसको चर्चा करने से पहले मैं दो शब्द आपको समझा देता हूँ, एक कैपिलरी एक्शन, ठीक है, और एक है थ्रोज रिक्वायर्ड या फिर नोट सिक्योरिटी क्या होती है, तो इस पर थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। आपको पता है हमें करना क्या है, सूचर लगाना है, ठीक है, सूचर लगाएंगे, नोट बांधेंगे, ठीक है, ताकि कितने समय तक बांधता है, क्या करते हैं, तो डिपेंड करता है। तो एक प्रकार से फॉरेन मटेरियल है जो कि हमने बॉडी में इंसर्ट करनी कर दी, उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी जो एक्शन है उसके लिए अपन यहाँ पे कैपिलरी एक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार से एक्शन बॉडी के रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इंटेंस,
ठीक है, टिश्यू रिएक्शन या इंटेंस रिएक्शन किसके अगेंस्ट है, ठीक है, कौन से फिलामेंट यूज कर रहे हो जिसमें, मतलब डिफरेंट करता है। तो जो मोनोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें पॉसिबिलिटी कम रहती है, ठीक है, उसमें नो कैपिलरी एक्शन, और ये मल्टीफिलामेंट्स जो होते हैं उसमें हैज़ ए कैपिलरी एक्शन मिलते हैं। अब रही बात रिस्क की, तो लेस इन्फेक्शन रिस्क किसमें है, तो मोनोफिलामेंट में। इधर क्या है, इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क, मल्टीफिलामेंट में इन्फेक्शन रिस्क ज़्यादा होते हैं। स्मूथ टिश्यू पैसेज और इधर लेस स्मूथ पैसेज। अब ये आप खुद से भी समझ सकते हो, जैसे ये जो सरफेस यदि कहीं से पास होगा तो कैसा रहेगा, वो थोड़ा सा स्मूथ बनाएगा क्या आपके टिश्यू को? नहीं, तो वो थोड़ा सा लेस स्मूथ रहेगा। और ये जो है या नीचे वाला हो गया, तो वो क्या बनाएगा, आपके स्मूथ टिश्यू पैसेज बनाएगा। हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ है आपके मोनोफिलामेंट्स का, ठीक, इधर लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और रही बात मोर थ्रोज रिक्वायर्ड, ठीक है, बेटर नोट सिक्योरिटी के लिए यदि बात किया जाए तो मल्टीफिलामेंट जो होते हैं वो बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसमें आपको थ्रोज कम लगाने पड़ेंगे। यानी थ्रो बोलने का मतलब क्या है कि आप जब नीडल होल्डर होता है ना, नीडल होल्डर के ऊपर हम जो सुचरिंग मटेरियल होते हैं उसको टर्न करते हैं, ठीक है, टर्न यानी कि थ्रो, ठीक है, उस टर्न को पकड़ के उसके अपोजिट साइड के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अपन जो बल, तो वो जो टर्न्स होते हैं तो उस पर अपन पकड़ के जब टाइट करते हैं तो उसी के लिए अपन बोला जाता है थ्रो, ठीक। तो ये जो थ्रो है उसका मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको इमेज दिखाऊं, जैसे ए नोट है, ठीक है, तो ए नोट अपन जो इसके ईयर्स हैं इसको पकड़ के अपने नोट यहाँ पे बांधा, तो जो ये जो लूप है, लूप, तो ये जो लूप है और अपनी जो नीडल होल्डर होती है उस नीडल होल्डर से पकड़ के उसके ऊपर थ्रो करके अपन इसको बांधते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हालांकि अभी थ्योरेटिकली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं पक्का आपको इसका प्रैक्टिकल करते हुए वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि थ्रो क्या होता है, टर्न्स क्या होते हैं, ठीक है, और नोट कितने टाइप से लगते हैं, कैसे लगते हैं उसके ऊपर। तो देखो जैसे क्या है कि जो नोट है, नोट की यदि सिक्योरिटी की बात करें तो मैक्सिमम यदि बात करें तो जैसे हमने बहुत से पढ़े, तो जो आपकी विक्रिल है उसकी मैक्सिमम नोट सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, और मिनिमम यदि बात करें नोट सिक्योरिटी की तो सिल्क का, ठीक है, सिल्क के अंतर्गत मिनिमम नोट सिक्योरिटी रहती है। और यदि बात करें कि जो टिश्यू रिएक्शंस की बात कर रहे थे ना अपन, कैपिलरी रिएक्शंस या एक्शंस की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट इंटेंस टिश्यू रिएक्शन जो होती है ना उस सिल्क वाली जो सूचर होती है वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। और इधर बात किया जाए तो जो मोनोफिलामेंट होते हैं, ठीक है, मोनोफिलामेंट्स होते हैं, उधर एक प्रकार से बोल सकते हो कि टिश्यू रिएक्शन मिनिमम रहती है या अब्सेंट होने की, तो यहाँ पे जो नो कैपिलरी एक्शन लिखा गया है ना, तो इसीलिए लिखा गया है। मल्टीपल में क्या होता है कि थोड़ा से टिश्यू रिएक्शंस मिलते हैं। और यदि बात करें कि मोनोफिलामेंट के अंतर्गत क्या क्यों नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो मोनो जो फिलामेंट्स होते हैं उसके ऊपर कोटेड बाई अ रिम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो एक लेयरिंग कोटेड कर दिया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टिशू रिएक्शन या टिशू रिस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए नो कैपिलरी एक्शन से। और थ्रो आपको समझ में आया, नोट सिक्योरिटी समझ में आया, ठीक है, ये थोड़ा सा हम अपन लोग मोनो फिलामेंट और मल्टी फिलामेंट का जो डिफरेंशियल है उसको अपन देखें। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि अपन जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट से जब उठा के लाते हैं, ठीक है, फार्मेसी से, तो इसमें क्या आपको इंडिकेशन होते हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है यदि सामान्य रूप से बात करें, कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट होती है तो उसके ऊपर जो पैकेजिंग होती है वो पैकेजिंग 100% रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर मटेरियल कैसी है, ठीक है। यदि पैकेजिंग के ऊपर इंडिकेशन अलग हैं और मटेरियल अलग है तो फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको रीड करने आनी चाहिए कि जो मटेरियल है वो कैसा है, क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें सारी चीज़ें इंडिकेट होती है, मैं उसको एक बार थोड़ा सा एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सूचर मटेरियल क्या है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है, ठीक। ब्रांड नेम क्या है वो यहाँ पे, ठीक है, मैन्युफैक्चरर कौन है वो अपना रिजेंबल तो करेगा ही, ठीक है। नीडल का शेप कैसा है वो यहाँ पे है, ठीक है, और उसमें गेज कितनी है, ठीक है, साइज कितने, गेज बोल सकते हो, जैसे कि हर एक चीज़ का होता है ना, जैसे यदि बीपी लेते हो तो एमएमएफ एचजी में बोलते हो, तो वो एक प्रकार से क्या हो, एक पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो वैसे ही ये जो अपनी जो सूचर मटेरियल्स होते हैं उनके लिए गेज से रिजेंबल किया जाता है, ठीक है। तो नीडल कोड क्या है, नीडल का लेंथ क्या है, नीडल टाइप क्या है, ठीक है, इमेज ऑफ नीडल कैसी है, तो यहाँ पे इमेज ऑफ नीडल भी बना दिया गया है। सूचर की लेंथ कितनी है, ठीक है, ये भी इसमें मेंशन होती है। फिर एक्सपायरी डेट क्या है वो भी मेंशन होता है, और कहाँ से आपको पिकअप करना है, ठीक है, नीडल ड्राइवर के सहायता से, तो आपको वो भी सब मेंशन करके दिया गया है। तो ये रही आपकी
एक प्रकार से बोल सकते हो कि ऊपर से अपियरेंस कैसा होता है उसको समझने के लिए। रही बात जो अपन नीडल की साइज की बात करते हैं, ठीक है, गेज के वाइज, तो वो देखो धीरे धीरे बढ़ते हुए, तो यदि 10:0 से लेके 8:0 के बीच की चीज़ें हैं तो उसमें क्या होता है कि माइक्रोवेस्कुलर कॉर्नियल जो पार्ट होते हैं वहाँ पे यदि हमें कुछ करनी है सूचरिंग तो उसके लिए ये यूज होता है। 7:0 से लेके 5:0 के बीच के जो चीज़ें होती है ऑप्थेल्मिक न्यूरल या वेस्कुलर के लिए यूज करते हैं। 4:0 से लेके 3:0 के बीच की बात करें तो स्किन या सब क्यूटेनियस, ठीक है, या फिर बोवेल से या फिर ब्लेडर्स के ऊपर इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके यदि देखते जाए तो ऐसे सिक्वेंस में होती है। और अपने अंदर जो सूचर्स हैं, सूचर्स के कलर कोडिंग होता है, ठीक है। तो कलर कोडिंग यानी कि आप बाहर से देख के पहचान सकते हैं कि क्या चीज़ क्या है। जैसे यहाँ पे जो हमने मटेरियल लेकर आया है तो इसका कलर मैच करो, ठीक है, थोड़ी से इससे मैच कर लिए तो इसके अंतर्गत कौन से सूचर मटेरियल हो सकता है तो आप गेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे प्लेन कटगट है तो इसके लिए येलो कलर होती है, क्रोमी कटगट है तो ब्राउन कलर होती है, ठीक है, इसको याद कर सकते हो। काली पीली बिल्ली, ठीक है, काली पीली बिल्ली यानी कि ब्राउन हो गया, येलो हो गया, ठीक है। तो एक किस में मिलता है तो कैटगट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। यदि बात करें नाइलॉन तो ग्रीन होता है, प्रोलिन की बात करें तो ये रॉयल ब्लू होता है। ऐसे करके जो स्टेनलेस स्टील होता है वो जल्दी सिल्वर कलर से रिजेंबल करते हैं, पीडीएस जो होती है ग्रे कलर से रिजेंबल होती है, ये सारी चीज़ें कलर से रिजेंबल हो जाती हैं तो बाहर से पकड़ सकते हैं। तो अब अपन चर्चा करते हैं सर्जिकल नीडल के ऊपर, ठीक। फर्दर अपन पढ़ते आ रहे हैं सीक्वेंस वाइज, जैसे आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं हमने क्या देखा। तो पहले गोल देखा, गोल के बाद सूचरी मटेरियल से उसकी क्लासिफिकेशंस को हमने चर्चा करी, ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशंस के बाद फर्दर एक एक नाम पढ़े, कौन सा ऑब्जर्वेबल है कौन सा नॉन ऑब्जर्वेबल है इसके ऊपर चर्चा करें, फिर मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट की डिफरेंशियली देखे हमने, फिर इसके बाद इसको चर्चा किया कि जो बाहर से चीज़ें कैसे रहती हैं और अंदर क्या है उसको समझने के लिए। अब अपन मेन टॉपिक है सर्जिकल नीडल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो कोई भी सर्जिकल नीडल होती है तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं जनरली, ठीक है, एक आई होता है, एक बॉडी होता है और एक पॉइंट होता है। यानी कहने का मतलब इधर देखो, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे आई होता है, ठीक है, आई या फिर स्वेग एंड होता है, ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ये बॉडी हो गई, ठीक। तो अपनी जो सर्जिकल नीडल है इसके तीन कंपोनेंट है, बेसिक डिज़ाइन की बात करें तो थ्री पार्ट्स होते हैं, एक आई होता है, आई विच इज स्वेग एंड परमिट द सूचर एंड नीडल टू एक्ट एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। यानी कि अपनी जो सूचर है, ठीक है, और अपनी जो नीडल की पॉइंट है, ठीक है, उसको जोड़ के रखने वाली चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। यानी जो सामान्य भाषा में समझो तो जो सुई के पीछे जो धागा पिरोने वाला जो चीज़ होती है उसके लिए आई बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड बॉडी, बॉडी यानी कि जो बीच का जो पोर्शन होता है, ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ नीडल, ठीक है, यानी कि इज आल्सो रेफर एज द ग्रास्पिंग एरिया, ठीक। द बॉडी कम्स इन द नंबर ऑफ साइज, जो बॉडी है उसका शेप, ठीक है, साइज से वेरी कर सकता है, ठीक है, राउंड, ओवल, रेक्टेंगुलर, ट्रेपोइज, ठीक है, जैसा भी है वैसे वेरी कर जाएगा। तो बॉडी की बात होगी। फिर इसके बाद आता है पॉइंट, पॉइंट यानी कि जो नोकीला पॉइंट पोर्शन होता है ना, जो जहाँ से नीडल इंसर्ट होगी, ठीक है, पियर्स करेगी, तो विच रन फ्रॉम द टिप टू मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो उसके लिए पॉइंट शब्द रिप्रेजेंट होता है, ठीक। तो रही बात द पॉइंट इज आल्सो कम इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट शेप, जो अपनी पॉइंट है उस जब इंसर्ट होगी या फिर जब पियर्स करेगी तो वहाँ पे एक शेप बनेगा, ठीक है, तो वो कैसा हो सकता है, तो इसके लिए क्या होता है कि अपनी जो पॉइंट है वो कई तरीके के, जैसे कन्वेंशनल कटिंग करने के लिए या फिर रिवर्स कटिंग करने के लिए या फिर साइड कटिंग करने के लिए या टेपर कट करने के लिए या ब्लंट, तो ये डिपेंड करता है कि पॉइंट कैसा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, तो ये तो अपनी सर्जिकल नीडल के बेसिक थ्री पार्ट कंपोनेंट हुए जो कि आप समझे। इसके बाद शेप ऑफ नीडल की बात करते हैं, तो शेप ऑफ नीडल जैसे 3x8 सर्कल, तो ये वाली जो है 3x8 सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसके नीचे जो है वो क्या है आपका हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपकी होगी स्ट्रेट वाली, ये हो गई आपकी स्पेशलिटी वाली, ठीक है, जो लास्ट चौथा है वो उसको रिजेंबल कर रहा है। जैसे आपकी जो नीडल है, नीडल की 1/4 सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3x8 सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 5x8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब रही बात कि इनके बीच का ये जो एरिया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक। ये जो है वो पॉइंट है,
ठीक, ये आपकी स्वैग वाली एंड हो गई, ठीक, ये आपकी इसकी मोटी जो जितनी भी मोटापा है उसको डायमीटर बोल लो, ठीक है, ये नीडल की रेडियस हो गई, ठीक, बॉडी हो गया और नीडल लेंथ हो गई। तो ये ओवरऑल अपनी नीडल जो है, बेसिक नीडल की बात करते हैं तो उसकी चर्चा होगी। इसके बाद अपन इसके अंदर देखते हैं टाइप ऑफ नीडल। तो टाइप ऑफ नीडल में क्या है, एक आईड नीडल होता है जिसके अंदर ए आपको इमेज दिख रहा है, ए क्या है, आईड नीडल, यानी कि जिसके पीछे धागा पिरोया जाता है सामान्य भाषा में समझे तो ए। और एक होता है स्वैग ऑन नीडल, यानी कि जिसके पीछे पहले से धागा क्या होता है, अंदर साइड से रहता हुआ है, ठीक है, उसके अंदर धागा डाल के हल्का सा कंप्रेस कर दिया जाता है तो इससे धागा भी नहीं निकलता और ये नीडल से डायरेक्ट अटैच रहता है। तो ऐसी कंडीशन होती है, तो यानी दो कंडीशन हो सकती है नीडल की, ठीक है। तो एक आइड नीडल बोलते हैं और एक स्वैग ऑन नीडल्स बोलते हैं। अब रही बात इनमें थोड़ी सी चर्चा करने की, तो ये क्या है, ये मोर ट्रॉमेटिक होता है, क्यों, क्योंकि ये जो इसकी बॉडी है, बॉडी के बाद ये वाला जो आई वाला पोर्शन है वो हल्का से चौड़ा हो जाता है, जब चौड़ा होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टिश्यू इंजरी करेगा, तो इसके लिए मोर ट्रॉमेटिक है। थ्रेड पास थ्रू द आई, जो अपना जो थ्रेड होता है उसको इसके अंदर से पास करते हैं, तो जब थ्रेड पास होगा तो डबल लेयरिंग बन जाएगी थ्रेड का, तो डबल थ्रेड पुल थ्रू द टिश्यू। अब जो डबल लेयर की वजह से अपन यहाँ पे क्या है कि सिंगल लेयर जैसे जैसे इंसर्ट होकर नीडल उसके पीछे सिंगल लेयर जाएगा तो दोनों की साइज़ एक जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि दोनों की साइज़ में जो वेरिएशन रहती है तो उसके वजह से चीज़ें फंसती है। तो देखो, तो ये हो गया, फिर टेंड्स टू अनथ्रेड इट सेल्फ ईजिली, ठीक है, लेकिन इसको दोबारा भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, और ईजिली अनथ्रेड कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई आपकी आई नीडल्स के अंतर्गत। फिर स्वेग नीडल के अंदर की बात करें तो ये मच लेस ट्रॉमेटिक इसके कंपेरिजन में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है। सूचर मटेरियल नीडल एंड सूचर एक्ट एज ए सिंगल यूनिट, इसमें क्या होता है दोनों एक सिंगल यूनिट है तो इसकी वजह से आप कोई दिक्कत नहीं जाती। इसमें क्या होता है कि थ्रेड आपको डालना पड़ता है, तो ये चीज़ें रही। तो एक टाइप ऑफ नीडल्स की बात करें तो आइड नीडल होता है और स्वैग्ड ऑन नीडल्स होते हैं, ठीक, ये हो गई आपकी। इसके बाद चर्चा करते हैं जो पॉइंट है, ठीक है, चूँकि मेन जो टॉपिक है आपकी जो नीडल है, नीडल की एक पार्ट होता है पॉइंट। ये जो पॉइंट है तो इसका शेप कैसा है, ये कैसा आपको ट्रीट करेगा जब आपकी स्किन के या फिर टिश्यूज के अंदर जाएगा, तो इसके बिहाव पे इसके पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, थीके? तो टेपर पॉइंट, ब्लंट पॉइंट, कन्वेंशनल कटिंग और रिवर्स कटिंग। तो ये जो चीज़ें हैं तो इसको देखो यहाँ से समझते हैं। यदि टेपर वाले है तो इसमें क्या होता है, ए ट्रामेटिक और इंटरनल ऑर्गन्स के लिए जनरली यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें मतलब लेस ट्रामा होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शार्पनेस दिखाई दे रही है और इसकी बॉडी की जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी और इस पे सर्कल भी हो सकता है। फिर कन्वेंशनल कटिंग का मतलब क्या है, कन्वेंशनल में वो बोलते हैं कि जो आपकी नीडल है उसकी जो कर्वेचर है उसके इनर साइड कटिंग एज ऑन इन साइड ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी कि इसके जो एज है, ठीक है, इनर साइड, तो इधर पे अपन को क्या है कि कटिंग एज इस साइड दिया गया है, ठीक है, तो जब कटिंग एज इस साइड है तो इससे क्या होगा कि ऊपर के साइड कटेगा चीज़ें, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो ऐसे, इसको अपन ऐसे समझते हैं अच्छे से, जैसे देखो मान लो ऐसे करके आपकी नीडल हो गई, तो नीडल की जो इनर साइड है जो कर्वेचर वाली पोर्शन इधर हो गया इसका, तो इधर साइड क्या है कि आपको कटिंग एज है, तो इधर साइड जब कटिंग एज है तो अपन क्या करेगा, अंदर साइड से काटेगा। और ये जो रिवर्स कटिंग एज में तो क्या होता है कि आपकी नीडल मान लो ऐसे है, ठीक है, नीडल ऐसे है तो इसमें जो कटिंग एज है बाहर साइड है, ठीक है, यानी कटिंग एज आउटसाइड ऑफ सर्कल, ठीक है, तो जब आउटसाइड है तो इसका कटिंग एज बाहर है और इसका कटिंग एज अंदर है। तो ये रहती है बेसिक सी बातें कि कन्वेंशनल कटिंग क्या है और रिवर्स कटिंग क्या है, तो इसको समझे आप। तो जनरली क्या होता है कि ये भी स्किन, ठीक है, तो यूज कहाँ पे होता है, तो स्किन के लिए, ये भी जो है भी, ये भी स्किन के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रामेटिक है। अब ट्रामेटिक कैसे है, और ये जो है लेस ट्रामेटिक है, जो रिवर्स कटिंग है ये थोड़ा लेस ट्रामेटिक है कंपेयर टू कन्वेंशनल कटिंग की बात करें। तो देखो ट्रामा कैसे होता है, इधर देखो, अब ये आपकी नीडल हो गई, नीडल का क्या है, इसकी जो शार्पनेस है वो किधर है, अंदर साइड है, जब अंदर साइड है तो मान लो ये स्किन है, यहाँ पे हमने सूचरिंग करना कोशिश किया, इधर आपने इधर से इंसर्ट किया, इधर निकाला, तो क्या होता है कि जब अंदर कटिंग साइड है तो ये क्या हो गया, ऊपर थोड़ी सी जो मांस है इसको भी कट कर देगा, तो इसके लिए ये ट्रामेटिक होने की पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू रिवर्स कटिंग। रिवर्स कटिंग में क्या है, इसकी जो शार्पनेस है नीडल की किधर है, अपोजिट साइड है, ठीक है, यानी कर्वेचर के ठीक अपोजिट है, इससे क्या होता है
कि टिश्यू जब कटेगा तो कैसे कटेगा, अंदर साइड से कटेगा, तो अंदर साइड से कटेगा तो ऊपर की जो मास है थोड़ा सा वो उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा, तो अच्छे से अपन सुचरिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी रहती है कन्वेंशनल कटिंग और रिवर्स कटिंग जो अपनी नीडल पॉइंट है उसमें, ठीक है। तो ये आपको जैसे रिजेंबल हो रहा है ना एक ट्रायंगल शेप में, यदि कन्वेंशनल कटिंग की बात करें तो इसमें कैसे बढ़ता है, इसके ऊपर की तरफ पॉइंट बनते हैं, ठीक है। ये जो कन्वेंशनल कटिंग का जो पॉइंट होता है ऐसा होता है, और जब यदि रिवर्स की बात करते हैं तो उसका पॉइंट कैसा होता है, अपोजिट साइड से उल्टा रहता है, ठीक है। और बॉडी कैसा रिजेंबल होता है, तो इसका स्क्वायर शेप का और इसका बॉडी भी जैसा इसका पॉइंट रिजेंबल होता है वैसे इसकी बॉडी रिजेंबल होती है, ठीक है। तो ये रही आपकी पॉइंट की चर्चा, ठीक है, यानी कि जो आपकी नीडिल है उसकी जो पॉइंट होती है उसके ऊपर। अब अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सूचरिंग, ये अब यहाँ से बेसिक चालू हो रहा है कि सूचर कैसे करते हैं, सूचर करते समय क्या ध्यान रखनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी नीडिल होल्डर है, ठीक है, तो उसके पे आपको नीडिल को पकड़ना रहेगा। तो नीडिल पकड़ते समय आपको क्या ध्यान देना है कि नीडिल ग्राफ्ट एट द हाफ थर्ड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्वैग, यानी कि पीछे वाला जो एंड है या फिर आई वाला जो एंड है उसके तरफ से 1/3 पार्ट को पे आपको नीडिल को पकड़ना है। जैसे ए क्या है, सही है, ए और ए ये दोनों गलत हैं क्योंकि बहुत करीब पकड़ ले रहे हो, ठीक है। बहुत करीब भी नहीं पकड़ना है आई साइड से और बहुत दूर भी नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो ए रही बात, और आपके स्वैग एंड से बात किया जाए तो आपको मिलेगा 2/3 फ्रॉम द पॉइंट, ठीक। अब पॉइंट से यदि बात करें तो 2/3, यानी कि जो नीडिल है नीडिल के सामने पॉइंट वाला छोर से यदि बात करें तो 2/3, और पीछे साइड से बात करें जिधर थ्रेड रहती है उस साइड से 1/3 पे आपको पकड़नी है। पहली प्रिंसिपल ऑफ सूचरिंग ध्यान रखनी है। दूसरी क्या है कि जब भी आप नीडिल को पियर्स करोगे, ठीक है, तो हमेशा नीडिल का जो पॉइंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर रखोगे, यानी कि स्किन के परपेंडिकुलर रख के ही उसको पियर्स करोगे। तो और इसके बाद जैसे जैसे उसका कर्वेचर है उसी के अलोंग आप उसको मूव करोगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नीडल शुड पियर्स टिश्यू परपेंडिकुलर इट्स सरफेस, तो ये ध्यान रखनी है। इसके बाद थर्ड बात आ जाती है, क्या है कि इच सूचर मस्ट बी प्लेस्ड 0.5 सेंटीमीटर, यानी एक सूचर आपने यहाँ दिया एक सूचर यहाँ दिया, तो एक प्रकार से जो डिस्टेंस मेंटेन करना होता है अपार्ट फ्रॉम द इंसिजन लाइन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अवॉइड इनवर्जन ऑफ वुंड एज, यानी कि चीज़ें उल्टा ना हो, ठीक है, पलटे ना, उल्टा पलटा ना हो जब आप सूचरिंग कर रहे हैं, तो उसको आपको उज एंड के ध्यान रखना पड़ता है, जो आपकी वुंड एज है उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। तो ये रही आपका प्रिंसिपल। और भी चीज़ें हैं, जैसे क्या है कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन शुड बी इक्वल, ठीक है। आप जब इंसिजन कर रहे हैं, चूँकि क्या है इंसिजन लग गया, ठीक है, कट लग गया, बीच में गैप हो गया टिश्यूज के बीच में, इस साइड और इस साइड बोथ साइड क्या है कि आपको पेनिट्रेशन इक्वली करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इक्वल करने का मतलब क्या होता है कि आपने एक तरफ से इंसर्ट किया तो दूसरी जो टिश्यू दूसरी साइड के जो टिश्यू उसमें भी बराबर पेनिट्रेशन है, ताकि नोट अच्छे से बंधेगा, ठीक है। द टिश्यू नेवर बी क्लोज अंडर टेंशन, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है, आपने इतनी जोर से नोट लगा दी, टाइट कर दिया, उससे वजह से क्या होगा कि नेक्रोसिस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उतने भी टाइट नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं ढीला करना है कि उसके बीच में कोई डेड स्पेस आ जाए। जैसे ही डेड स्पेस आएगा खैब एक गुंडी, ठीक है, उसकी वजह से फिर से इन्फेक्शन, पस फॉर्मेशन, ठीक है, एब्सेस, ठीक है, साइनसिस बनने चालू हो जाएंगे, ठीक है। डीप वुंड क्लोज इन लेयर्स, ठीक है, और नोट अवे फ्रॉम द इंसिजन लाइन, ठीक है। अब जो नोट लगाओगे तो ये करेक्ट है, इसमें क्या है इंसिजन लाइन पे आपको नोट नहीं लगानी है, ठीक है, डायरेक्ट इसके ऊपर नोट आप मत लगाओ, ठीक। चलिए तो आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद है सूचरिंग टेक्निक्स। तो सूचर टेक्निक्स के अंतर्गत एक होता है सिंपल इंटरप्टेड सूचर, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है मैट्रिस सूचर। तो देखो सिंपल इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मतलब क्या है कि एक बार आपने सूचरिंग लाइन की, इसके बाद कट कर दिया, फिर दोबारा किया, फिर से कट कर दिया, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इंटरप्टेड है, यानी कि एक बार आपने इधर से इंसर्ट की, इधर निकाला, फिर इसके बाद आपने एक नोट लगा दिया, फिर इसके बाद दोबारा से फिर से यहाँ पे किया। तो ऐसे इस फॉर्मेट में यदि आप करते जा रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, इंटरप्टेड सूचर। इसके बाद एक होता है कंटिन्यूस सूचर। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि आपने एक बार इंसर्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू एक बार सिक्वेंसेस में चलते जा रहे हो, ठीक है, यानी कि आपने नोट बहुत बार बार आप नोट नहीं लगा रहे हो, एक बार आपने नोट लगाया इसके बाद कंटिन्यू चलते गए, फिर लास्ट में जाके नोट लगा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए कंटिन्यूस शब्द प्रयोग किया जाता है। एक होता है सिंपल कंटिन्यूस, एक होता है इंटरलॉकिंग कंटिन्यूस, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है,
आपका सिंपल कंटिन्यूस है, यानी कि आपने इधर इधर से पियर्स किया, इसके बाद आप सूचरिंग करते 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 यहाँ पहुँच गए, और बीच में भी एक बार भी आपने नोट नहीं लगाया, ठीक है, तो इसलिए इंटरप्टेड नहीं है, कंटिन्यूस है, लेकिन पैटर्न देखो सिंपल है, ठीक है, इसलिए सिंपल पैटर्न बोलते हैं कंटिन्यूस के अंदर। अब ये जो है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये भी कंटिन्यूस है लेकिन एक प्रकार से लॉक लग रहा है, ठीक है, इस साइड हल्का से लॉकिंग है, इस साइड तो सिंपल दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं कि इसके लिए इंटरलॉकिंग कंटिन्यूस सूचर बोला जाता है। फिर एक मैट्रिक्स सूचर, जैसे आप रजाई तोशक गद्दे जो आपके होते हैं ना उसके ऊपर कैसे सूचरिंग की जाती है, रिजम्बल कैसा होता है, ऐसे कंटिन्यू ऐसे या तो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकली छोटी छोटी लाइनें बनी रहती हैं, ठीक है, धागों का, तो उसके आधार पर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और भी स्पेशल्स कुछ केस होते हैं, ठीक है, तो इसको हम फर्दर देखेंगे एक एक इंडिविजुअल को पढ़ते हुए। तो अब अपन चर्चा करते हैं सूचर टेक्निक्स के अंतर्गत पहले सिंपल इंटरप्टेड स्टिचेज कैसे लगते हैं, और रही बात देखो ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, और काफ़ी सिंपलेस्ट टू परफॉर्म होता है, ठीक है, सबसे जो अपन जब इनिशियल स्टेज में सीखते हैं तो सबसे पहले इसी को सिखा जाता है इंटरप्टेड स्टिचेज कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ये इमेज रिजेंबल हो रही है इसमें क्या किया है, मान लो यहाँ पे कट लगा हुआ है, हमने इधर से अपन नीडल इंसर्ट की, ठीक है, नीडल को इधर लाया, फिर इसके बाद जो अपनी जो थ्रेड है उसको अपन नीडल होल्डर के ऊपर दो बार दो राउंड किए, इसके बाद यहाँ पे एक नोट लगा दिए, इंसीजन लाइन के थोड़े से दूर पे नोट लगाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे इस जो सीजर है उससे कट कर देंगे, फिर इसके बाद फिर से यहाँ पे अपन इंसर्ट करेंगे, पियर्स करेंगे, फिर से यहाँ पे नोट लगाएंगे, फिर से बांध के छोड़ देंगे, ठीक है, तो ऐसे करते हुए जब जाएंगे तो इसको इंटरप्टेड स्टिच बोलते हैं, ठीक है। तो देखो मोस्ट कॉमन होती है, अब क्यों कॉमन होती है, क्योंकि हर कोई कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसको सिंपलेस्ट टू परफॉर्म बोलते हैं, और इसके लिए ठीक है इंटरप्टेड क्या हुए क्योंकि बिकॉज द थ्रेड इज कट बिटवीन ईच इंडिविजुअल स्टिचेज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इंटरप्टेड बोलते हैं। इफ द वुंड लुक लाइक इट हैव बिकम इन्फेक्टेड, हाँ इसकी खासियत एक अच्छाई भी है इसमें कि इजी भी है और एक अच्छाई भी है, अच्छाई क्या है कि आप में क्या हुआ कि बिकमिंग इन्फेक्टेड, मान लीजिए इतना बड़ा सूचर किया गया, ठीक है, और यहाँ पे पस फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है, तो हमें पूरा को नहीं खोलना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सूचर को कट कर दो तो यहाँ से थोड़ा सा ड्रेनेज यदि होने लगेगी तो चीज़ें नॉर्मल हो सकती है, यानी कि अच्छे से हील हो जाएगा, तो ये चीज़ें बेनिफिट होता है। तो फ्यू सूचर कैन बी रिमूव्ड इजिली विदाउट डिस्टर्बिंग इंटायर क्लोजर, ठीक है, तो पूरा क्लोजर को डिस्टर्ब किए बस एक को सूचर को कट करो और आपका काम हो जाएगा। तो कैन बी यूज इन ऑल एरिया बट मे टेक लॉन्गर टू द प्लेस देन अ कंटिन्यूअस सूचर, ठीक, तो ये आपकी सिंपल इंटरप्टेड स्टिचेज के बारे में रही। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टिचेज कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो क्या उससे क्या बेनिफिट होता है कि क्विकर होते हैं, ठीक है, बट रिस्क फेलिंग इफ द सूचर इज अ कट इन जस्ट वन प्लेस। अब इसमें क्या है फेल्यूरेशन कि आपने कंटिन्यूअस तो लगा दिया एक जगह से, ठीक है, आपने एक जगह से लगाया, यहाँ से अपने सूचर करने चालू किया, कंटिन्यूअस यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन आपका बीच में यदि कट लग गया तो ओवरऑल टोटल के टोटल स्टिचेस क्या हो जाएंगे जो भी हैं सब के सब ढीले पड़ जाएंगे, तो ये आपकी एक प्रकार से इसमें थोड़ा से लेकिन एक क्विकर होता है, यदि कभी ब्लीडिंग हो रही है तो अचानक से रोकना हो, ठीक है, तो उसमें बहुत क्या होता है उस समय जो सूचर की मेथड होती है हम यही यूज करते हैं, कंटिन्यूअस स्टिचेज लगाते हैं, ठीक है। द कंटिन्यूअस लॉकिंग स्टिच इज सम वे मोर सिक्योर वर्जन, ठीक है, इसमें क्या है कि खुलने का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सिंपल की बात करें, लेकिन क्या है कि जब लॉकिंग वाले स्टिचेज लगाते हैं कंटिन्यूअस के अंतर्गत ये थोड़ा से इसके कंपेरिजन में ज़्यादा सिक्योर है, चूँकि इसमें एक तरह से क्या होती है लॉकिंग लगती जा रही है तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम होता है कि यदि बीच से कहीं कट लग गया, ठीक है, थ्रेड खुल गया तो उसमें पॉसिबिलिटी कम रहती है। फिर सूचर आर प्लेस्ड अगेन एंड अगेन विदाउट टाइंग, ठीक है, यानी कि बार बार नोट नहीं लगाते हैं इसलिए इसको तो कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, ठीक है। इज द टेक्निक ऑफ चॉइस हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, फ्रॉम स्किन एजेज, तो ये यूज करने लेसरेशन स्कैल्प लेसरेशन में जनरली अपन यही यूज करते हैं, ठीक है, और इसके टाइप्स आपको पता है, ये सिंपल कंटिन्यूअस ये एग्जांपल रहा, ठीक है, लॉकिंग कंटिन्यूअस का ये एग्जांपल रहा, ठीक है, ऐसे करके, और ये आपका रियल पिक्चर इमेज है, ठीक है, जैसे ये क्या है आपका सिंपल ये अपन कंटिन्यूअस लगाया जा रहा है, यहाँ से चालू किए और इधर तक पहुँचे, ठीक है, इसमें क्या है कि आपका लॉक लगाया जा रहा है, ठीक है, एक साइड लॉक लगता हुआ जा रहा है दूसरी तरफ सिंपली फॉलो हो रहा है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस स्टिचेज की बात कर ले। इसके बाद आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स स्टिचेज, इसमें क्या है कि जैसे देखो ये इमेज से आप रिजेंबल कर सकते हो, आपको अब तक समझ में आ गया होगा, यदि आप हॉरिजॉन्टल एक तरफ से
लगाया, इधर टाई कर दिया, फिर से कट किया, यानी एक प्रकार से इंटरप्टेड ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि डबल डबल इंसीजन, मतलब डबल डबल पियर्स करना पड़ रहा है, ठीक है। तो लेकिन जो टाई टाई अप करने के बाद जो कंडीशन दिख रही है वो ऐसी दिख रही है, तो इसमें क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये क्या होगी आपकी वर्टिकल हो गई, और इधर जाके अपने नोट लगाते चले गए, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं, देखो यहाँ पे आपने पहले किया, फिर इधर साइड निकाला, फिर इसके बाद दोबारा से लाया, इसके बाद लाया कि फिर से यहाँ पे अब एक नोट लगा दिया, तो अब की एक हो गई, इसके बाद कट कर दिया, इसके बाद फिर से दोबारा यहाँ लगाया, ठीक है। तो फिर से वैसे रिपीट किए, इस सीक्वेंस में आपको रिपीट करना है, ठीक है। जैसे ये पैटर्न दिखा रहा है, ठीक, इस पैटर्न में ला के आपको धीरे धीरे जो भी गैप है उसको टिश्यू को टाइट करोगे तो चीज़ें भर जाएंगी, ठीक। तो देखो आर आल्सो इंटरप्टेड, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमें नोट लगा रहे हैं, इसके बाद कट कर रहे हैं, नोट लगा रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। आर मोर कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज द इवर्टिंग स्किन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टेंशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग टेंशन है इसमें, जो टेंशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अ गुड चॉइस व्हेन स्किन एज आर डिफिकल्ट टू इवर्ट, तो उसमें एक गुड चॉइस की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अदर स्टिचेज ऑफ या फिर सूचरिंग टेक्निक्स इंक्लूड क्या है, अदर्स में क्या है। एक होता है फिगर एट स्टिच, यानी कि इसमें रिजेंबल कैसा हो रहा है, फिगर एट जैसा, फिगर एट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं सब क्यूटिकुलर स्टिचेज। इसमें क्या होता है कि जो साइड का मान लीजिए मोटा सा मैट्रिक्स है, इसके अंदर गैप है, ठीक है, तो इसके अंदर अंदर से ही अपन करते हैं, फिर लास्ट में टाइट करते हैं तो चिपक जाता है, ठीक है। तो इसको सब क्यूटिकुलर स्टिच बोलते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल रहा। फिर एक होता है पर्स स्टेरिंग सूचर, इसमें क्या होता है जैसे पर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, इन दोनों को टाइट करोगे तो ये पूरा गैप भर जाएगा, ठीक। तो इसके लिए यूज करते हैं, तो ये सब टेक्निक्स हैं, ठीक है। यानी टेक्निक्स क्या सीखे आप टेक्निक्स में, तो एक सिंपल इंटरप्टेड सीखे, फिर कॉन्टिन्यूस में दो सीखे, फिर इसके बाद आपने मैट्रिक्स स्टिचेज में दो सीखे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर इसके बाद आपने कुछ स्पेशल सीखे फिगर एट स्टिचेज, यानी कि रिजेंबल ही कैसा हो रहा है आठ की तरह, ठीक है। और ये क्या है सब क्यूटिकुलर स्टिचेज, इसमें क्या होता है कि अंदर साइड से लगाते हैं वॉल लेटरल, जो वॉल्स होते हैं ना, जो आपकी गैप है उसके लेटरल वॉल्स के अंदर से स्टिचेज लगा के टाइट करते हैं तो चिपक जाता है। फिर पर्स स्टेरिंग सूचरिंग, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं लास्ट रहा नोट के बारे में, ठीक है। क्योंकि अब हमने स्टिचेज लगाए तो उसके गांठ जो बांधते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो जो सामान्य जो नोट होता है इसके भी थ्री कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक तो लूप होता है जो ये बड़ा सा आपका दिख रहा है, दूसरा नोट होती है, तीसरा ये ईयर्स होते हैं, ठीक है। यानी जो अपन लास्ट में काटते हैं ना, तो उस जो काटते हैं उसको ईयर्स बोला जाता है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि टाइप ऑफ नोट्स क्या है, ठीक। तो एक सर्जन नोट होता है, एक स्क्वायर नोट होता है, और एक ग्रेनी नोट होता है, ठीक। तो ये चीज़ें तीन प्रकार की आपकी हो गई, यानी कि नोट के यदि प्रकार करें तो तीन नोट के टाइप्स हो गए, और नोट की बात करें तो नोट के अंदर तीन ही पार्ट्स होते हैं, क्या, लूप, नोट और उसके ईयर्स, ठीक है। अब इसके बाद अपन फर्दर चर्चा करते हैं एक एक नोट की, ठीक है। तो जो स्क्वायर नोट होता है उसमें क्या होता है कि बताया गया कि फॉर्म अ, ठीक है, सूचर जो होते हैं अराउंड द नीडल होल्डर अ वंस इन अ अपोजिंग डायरेक्शन बिटवीन द टाई। अब इसमें होता क्या है कि मान लो जो नीडल होल्डर है, ठीक है, एक्चुअली मैं इस चीज़ बस पढ़ के बता देता हूँ, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करते हुए वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, और उसका उसके साथ इसको भी कंबाइन रूप से वीडियो रहेंगे तो आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें अपन जो नीडल होल्डर है, ठीक है, नीडल होल्डर के ऊपर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, ठीक, आपकी जो थ्रेड है, ठीक है, उसको थ्रो करेंगे, और उसके बाद क्या बोल सकते हैं, इसके बाद जो अपोजिट साइड से जो है उसको पकड़ के उसमें गांठ लगा देंगे, तो इसको स्क्वायर नोट बोलते हैं, ठीक है, रीफ नोट बोलते हैं। इसके बाद आता है ग्रेनी नोट, ठीक है, जो ग्रेनी नोट है इसको आप स्लिप नोट बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि टाई इन वन डायरेक्शन फॉलो बाई अ टाई इन अ सेम डायरेक्शन, एंड जो थर्ड वाला टाई होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं। यानी कि देखो पहले क्या, पहली कंडीशन क्या है, एक दिशा में बांधे, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है कि एक ही दिशा में बांधे, यानी दूसरा जो बांधना है उसको भी उसी दिशा में बांधना है, तीसरा क्या है विपरीत दिशा में बांधना है, ठीक है। यानी कि पहला जो आप जो करोगे उसको क्या करोगे, उसी सेम दिशा में बांधोगे, फिर दूसरा वाला जो बांधना है वो भी क्या करोगे, जो फॉलोड बाई जो है वो भी उसी दिशा में बांधोगे, और जो तीसरा वाला है उसको विपरीत दिशा में बांधोगे, ठीक, तब जाके ये आपकी ग्रेनी उसको बोलते हैं। सर्जन वाले में क्या होता है कि इसमें देखो सर्जन वाले में क्या कि पहले जो टाई करोगे वो जो अपन नीडल होल्डर है उसके चारों तरफ लपेट के, ठीक है, पहला टाई आपने दे दिया,
इसके बाद क्या है, जो अब जो सिवनी है उसके दूसरे थ्रो करोगे, ठीक है, सिवनी के दो को थ्रो करोगे, ठीक। फिर इसके बाद दूसरे टाई में क्या करते हैं कि उसके विपरीत करते हैं एक थ्रो, यानी कि देखो जैसे यहाँ पे इमेजेज है, इमेजेज में ओवरऑल जो टाई लगता है वो ऐसे लगता है, यानी कि जो स्क्वायर नोट है उसमें सिंपल, सबसे सिंपल अपन समझ सकते हैं जो नीडल होल्डर होती है उसके ऊपर अपन थ्रो करते हैं, ठीक है, और वो जो थ्रो यानी वेब टाइप के बनती है, ठीक है, उसको थ्रो करके नॉर्मली टाइट कर देते हैं, दो थ्रो लगाते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से दो थ्रो करते हैं, दो स्टैंड के तौर पे बुनाई कर देते हैं, तो वो बन जाती है आपकी सिंपल या स्क्वायर नोट के तौर पे। फिर ग्रेनी नोट में क्या होता है कि आप जो यहाँ पे जो आपके जो टाई हैं, ठीक है, उस टाई के लिए एक जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो विपरीत होती है, ठीक है, और जो दूसरा के लिए करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके चारों तरफ लपेट के बांध देते हैं। फिर इसके बाद देखो इसको ग्रेनी वाले को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहला क्या है, एक दिशा में इसमें तीन ओवरऑल हमें कि तीन बार करना है काम, ठीक है, तो एक दिशा में बांधे, फिर जो दूसरा वाला बांधना है वो भी उसी के दिशा में बांधना है, ठीक है, और जो तीसरा वाला बांधोगे वो उसके विपरीत दिशा में बांधोगे, तब जाके जो नोट लगेगा वो क्या है, वो ग्रेनी नोट कहलाता है, ठीक। सर्जन नोट में क्या होता है कि इसमें अपन पहला जो टाई करेंगे, ठीक है, वो नीडल होल्डर के चारों तरफ जो सिवनी को घुमाएंगे उस पर दो थ्रो मारेंगे, ठीक है, यानी दो टर्न मारेंगे, फिर एक हो गया, दूसरा वाला जो करेंगे टाई वो कैसे करेंगे, विपरीत करेंगे, ठीक है, विपरीत करेंगे लेकिन एक ही थ्रो मारेंगे, ठीक है, एक ही थ्रो करके इसके बाद टाई कर देंगे, तो ये जो कंडीशन होती है वो हो जाती है सर्जन नोट के अंदर, ठीक है, यानी कि इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, द कंप्लीट नोट मस्ट बी टाइट फर्म, ठीक है, और इतना भी टाइट नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि चीज़ें और इतना भी ढीला भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर अवॉइड, क्या अवॉइड करना है कि जो नोट है वो इंसिजन लाइन से अवे रहे, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नोट शुड बी अ स्मॉल, ठीक है, और उसके जो एंड हम कट करेंगे वो 2 से 3 mm तक का कट करेंगे, ताकि जो ईयर एंड्स बनेंगे बाद में ईयर एंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसको पकड़ के हमें नोट को कट जब करना होता है ना, जब सूचर कटिंग करनी रहती है तो उसमें इन्हीं ईयर जो होते हैं उन्हीं को पकड़ के कट करना होता है, तो इसलिए इतना भी छोटा नहीं काटना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सूचर स्किन शुड बी रोल स्लाइटली आउटवर्ड फ्रॉम द वुंड, ठीक है, और जनरली क्या होता है कि जो सूचर्स हैं, स्किन सूचर क्या होते हैं कि वो 5 दिन के अंदर रिमूव कर देते हैं, और जो इंट्रा ओरल होते हैं, ठीक है, वो जनरली 7 दिन के अंदर उनको कट करना रहता है। तो अब रही बात नोट लगाने की, नोट लगाने के बाद हमें सूचर रिमूव करना है, तो सूचर रिमूव करने की जो टेक्निक है वो यही है, ठीक है, आपने उसके एक ईयर को पकड़ा और एक ही लूप को काटना है, बस इतना आपको ध्यान रखनी है कि उसके एक ईयर को आपने फोर्सेप से पकड़ा और जो आपकी सीजर है, सीजर से उसके एक लूप को काटनी होती है, यही बस टेक्निक होती है, ठीक है। अब रही बात पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो सूचर एब्सेस बन सकते हैं, ठीक है, मान लो आपने सूचरिंग की, थ्रेडिंग की, उसकी वजह से क्या है कि अच्छे से इंसिजन मतलब अच्छे से हील नहीं हुआ, तो उसके वजह से क्या हो के सूचरल एब्सेस हो सकता है, ठीक है। हाइपरट्रोफिक स्कार बन सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से निशान बन सकता है, ठीक। किलोइड्स हो सकते हैं, ठीक है, स्किन की, स्किन का जो है मास लाइक ग्रोथ हो जाता है तो किलोइड बोलते हैं उसको, ठीक है, तो किलोइड हो सकता है। और कॉमन मिस्टेक क्या होता है सूचरिंग के समय, देखो यहाँ पे हाइपरेमिया की कंडीशन है, इतना टाइटली कर दिया गया है रेडनेस और इसको ओवर क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है, तो ऐसी एक कॉमन मिस्टेक होती हैं सूचरिंग करते समय। इसके बाद अल्टरनेटिव की बात किया जाए, ठीक है, अल्टरनेट टू सूचर्स की बात किया तो अब पंचिंग आ गई है, ठीक है, स्टेपल्स मार दो, जैसे नॉर्मली अपन कॉपी किताब के अंदर स्टेपल मारते हैं ना वैसे। फिर टिश्यू एडेसिव भी आते हैं, ठीक है, टिश्यू एडेसिव या फिर टेप होता है, ठीक है, यहाँ देखो ये जो आपको दिख रहा है लास्ट में नीचे ये वाला, इसमें क्या होता है इसको पकड़ के खींच दिया जाता है तो ये आपस में चिपक जाते हैं। और अपन क्या कर सकते हैं, मान लो यदि सर्जरी से जो सूचरिंग किया गया उसका स्कार है तो उसके ऊपर टैटूइंग करवा लो, टैटूइंग करवा लो तो रिजेंबल भी नहीं होगा, ठीक है, दिखेगा भी नहीं। तो ऐसे करके अपन ओवरऑल सूचर्स को कंप्लीट किए, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें सीखें, तो वही जो चीज़ें गोल्स देखे अपन, ठीक है, फिर सूचर मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन देखे हमने, फिर सूचर मटेरियल के जो क्लासिफिकेशन अपन ने देखा उस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत चीज़ें ध्यान दी, नोट सिक्योरिटी क्या है, फिर मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट्स के डिफरेंस देखे हमने, ठीक है, फिर उनके कलर के बिहाव पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उनको हमने ऑब्जर्व किया। इसके बाद फर्दर हमने
एक एक चीज़ें कि आपकी सूचर रिमूवल के बारे में हमने चर्चा करी कि सूचर रिमूव कैसे करते हैं, उसको ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद नोट लगाने के जो तीन मेथड हैं और नोट के तीन ही पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर हमने चर्चा करी, ठीक है। इसके बाद हमने अपनी जो टेक्निक्स थे उस टेक्निक्स के ऊपर चर्चा करी, इंटरप्टेड, कंटिन्यूस, मैट्रेस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने प्रिंसिपल के ऊपर चर्चा करी कि नीडल को कब कितने पे पकड़ना है, कैसे लगाना है, ठीक है, कब 90 डिग्री पे है, कितने गैप मेंटेनेंस करना है, और नीडल की चर्चा करी हमने अच्छे से, ठीक है। नीडल के टाइप्स की चर्चा करी हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ओवरऑल अपनी ऐसे करके अब चीज़ें बनती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे कि टाइप ऑफ सूचर लगाते कैसे हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।